गुड मॉर्निंग क्लास बच्चों, अब तक हम अपनी व्याकरण कर रहे थे हिंदी में, तो आज से हम अपनी पाठ्यपुस्तक साक्षी पाठमाला शुरू करते हैं। हमारी पाठ्यपुस्तक में जो पहला पाठ है वो है जोकर। ये एक कविता है। इस कविता के माध्यम से बताया गया है कि जोकर कैसा होता है, वो कैसे हमें हंसाता है, क्या क्या वो सर्कस में काम करता है। तो आइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। लाल लाल है इसके गाल, गोल मटोल है इसकी नाक, मोटा पेट हिलाता है, सबको खूब हंसाता है। यानी जो जोकर है उसके गाल लाल लाल है, उसकी नाक भी गोल मटोल सी है, और वो अपना मोटा पेट हिलाकर सबको हंसाता है, यानी जो सर्कस देखने आते हैं उन सबको हंसाता है। उछल बांस पर चढ़ जाता है, रस्सी पर दौड़ लगाता है, हर पल यह मुस्काता है, सबको खूब हंसाता है। और ये बांस पर जो रस्सी बांध दी जाती है, यानी जो बांस के डंडे होते हैं उनके ऊपर रस्सी बांध दी जाती है, उस पर ये खूब दौड़ लगाता है और हर पल सबको हंसाता है, ठीक है, और खूब अपना खुद भी मतलब मुस्कुराता है। उल्टे सीधे करतब दिखलाकर मार लिया इसने मैदान, दिखता है नटखट शैतान, पर जोकर है सर्कस की शान। ये उल्टे सीधे काम दिखलाकर सर्कस में सबका मन जीत लेता है, यानी मार लिया इसने मैदान मतलब अपने काम से सबका मन जीत लिया है। ये नटखट शैतान सा दिखता है, लेकिन हमारे सर्कस की शान होता है जोकर। अगर सर्कस में जोकर नहीं है तो वो सर्कस खाली खाली रहती है, अधूरी रहती है, उसमें मज़ा नहीं आता। ओके, यानी बच्चों जो सर्कस में जोकर का काम होता है वो खुद हंसना और हमें भी हंसाना होता है। ओके, तो बच्चों आपको ये पोयम रिवाइज़ करनी है, ठीक है, इसको रीड करना है। ओके।